गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अरुणा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भी। टुडे वी आर डिस्कसिंग फ्री ट्रेड पॉलिसी एंड वर्सेस प्रोटेक्शन, स्वतंत्र व्यापार बनाम संरक्षण की नीति। ये विदेशी व्यापार से संबंधित दो महत्वपूर्ण नीतियां हैं। प्राचीन समय से, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के समय से ये माना जाता है कि फ्री ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में सर्वोत्तम नीति है। हमने एडम स्मिथ का सिद्धांत पढ़ा, रिकार्डो का सिद्धांत पढ़ा, फिर आधुनिक अर्थशास्त्रियों में एक्स्टर ओलिन के सिद्धांत पढ़े और उन सब में ये बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, स्वतंत्र व्यापार करने से जो व्यापार में रत देश होते हैं उन दोनों देशों को लाभ प्राप्त होता है, उन्हें कम कीमत पर, कम लागत पर वस्तुएं उपलब्ध होती है, या जो वस्तुएं उनके देश में उपलब्ध नहीं थी वो वस्तुएं भी आसानी से उनके देश में उपलब्ध हो जाती है, और उन्हें व्यापार की शर्तों के रूप में, विनिमय की शर्तों के रूप में विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। तो सभी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने फ्री ट्रेड पॉलिसी का समर्थन किया और इसे सर्वोत्तम नीति की संज्ञा दी। बाद में कुछ विभिन्न कारणों से स्वतंत्र व्यापार के विपक्ष में तर्क दिए जाने लगे और लोग ये मानने लगे कि स्वतंत्र व्यापार पर कुछ प्रतिबंध होने चाहिए और उन्होंने उस रूप में संरक्षण की नीति का समर्थन किया। दोनों तरह की नीतियों के अपने अपने तर्क, उनके पक्ष में विभिन्न तर्क दिए जाते हैं और उनकी आलोचना भी की जाती है। आज इस टॉपिक के अंदर, जो BA पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर इकोनॉमिक्स के अंदर है, हम इससे इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वतंत्र व्यापार, जिसे सर्वोत्तम नीति कहा जाता है, सैमुएलसन, एडम स्मिथ, रिकार्डो, हेबरलर, हेक्स्टर, ओलिन सभी ने इसका समर्थन किया और सैमुएलसन ने बताया कि फ्री ट्रेड से, स्वतंत्र व्यापार से देशों के मध्य जीवन स्तर में वृद्धि होती है और उन्हें व्यापारिक उत्पादन के रूप में लाभ प्राप्त होता है। अब हम इसके पक्ष में विभिन्न तर्क देखेंगे। फर्स्ट, न्यूनतम लागत पर वस्तुएं उपलब्ध होना। जब स्वतंत्र व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है तो कोई भी वस्तु उस देश से मंगाई जाती है जहां पर वह सबसे कम कीमत पर उत्पादित होती है और इसलिए वह कम से कम लागत पर हमें उपलब्ध हो जाती है, जिससे लोगों को वस्तु अच्छी क्वालिटी की और कम लागत पर प्राप्त करने में आसानी रहती है। ये सुविधा केवल फ्री ट्रेड के अंदर उपलब्ध हो सकती है जब व्यापार पर कोई नियंत्रण नहीं हो। सेकेंड, हानिकारक एकाधिकारों पर रोक। जब स्वतंत्र व्यापार नहीं होता है उस स्थिति में देश के अंदर कई प्रकार के एकाधिकारी संगठन मौजूद होते हैं और जो उपभोक्ताओं से मनचाही कीमत वसूल करते हैं, उस स्थिति में उपभोक्ताओं को हानि होती है। लेकिन जब फ्री ट्रेड या स्वतंत्र व्यापार होता है, उस पर प्रतिबंध नहीं होता है, तो उस स्थिति में एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण लगता है और विश्व व्यापार में प्रतिस्पर्धा की भावना का जन्म होता है, जिसके कारण एकाधिकार के दुष्प्रभाव से अर्थव्यवस्थाएं बच पाती है। थर्ड, बाजारों का विस्तार। जब फ्री ट्रेड की पॉलिसी को अपनाया जाता है तो कोई भी देश किसी वस्तु का उत्पादन केवल घरेलू मांग के अनुरूप नहीं करता, बल्कि उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मांग के अनुरूप विदेशों से उस वस्तु की मांग के अनुरूप भी उत्पादन करता है। इससे उसके प्रोडक्ट की मांग बढ़ती है और बाजार का विस्तार होता है। जितना बाजार का विस्तार होता है उतना ही उस वस्तु के उत्पादन में उससे महारत हासिल होती है, कम लागत पर अच्छी वस्तु का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट, आधुनिकतम उत्पादन तकनीक। जब हमें विदेशों से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती है, देश में कुछ सीमित उत्पादक होते हैं तो वो उन्हीं तकनीक का प्रयोग करते रहते हैं क्योंकि उनका प्रोडक्ट आसानी से बिक जाता है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करनी होती है तब हर उत्पादक को नई से नई तकनीक अपनाने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि उस स्थिति में उसी देश का माल निर्यात होगा, उसी देश के उत्पादन की मांग बढ़ेगी जो अच्छी तकनीक का प्रयोग करके कुशलतापूर्वक वस्तु उत्पादित कर रहा हो। नेक्स्ट,
श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण। जैसे जैसे उत्पादन का विस्तार होता जाता है, इंडस्ट्री का विस्तार होता जाता है, तो अपने आप से उद्योगों में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण आता है। जो व्यक्ति जो श्रम जिस कार्य में कुशल होता है उसी कार्य में उसे नियुक्त किया जाता है। परिणाम होता है कि कम लागत पर वस्तुएं उत्पादित करने में आसानी होती है और ये प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में फ्री ट्रेड की स्थिति में ज़्यादा प्रबल होती है। नेक्स्ट, वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि। अगर हम विश्व के संपूर्ण उत्पादन को देखें तो फ्री ट्रेड की स्थिति में ये तर्क दिया जाता है कि इससे विभिन्न राष्ट्रों के सामूहिक रूप में संपूर्ण विश्व के वार्षिक उत्पादन में वृद्धि होती है, क्योंकि कोई भी देश उस वस्तु का उत्पादन नहीं करता है जिसको उत्पादित करने में उसे ज़्यादा श्रम लागत खर्च हो रही हो, ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा हो, तो उसका उत्पादन नहीं करता है, केवल उन वस्तुओं का उत्पादन करता है जो वो कम श्रम शक्ति का प्रयोग करके कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में परिणाम क्या होता है कि कुल मिलाकर राष्ट्र के उत्पादन में और सभी राष्ट्रों के उत्पादन में वृद्धि होने से विश्व के उत्पादन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, विश्व में उच्च जीवन स्तर। उच्च जीवन स्तर कैसे बनता है? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आवश्यकता की वस्तुओं का उपयोग करने में सक्षम हो पाते हैं, वो हमें उपलब्ध होती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति में जो वस्तु घरेलू उत्पादक नहीं उत्पादित कर पाते हैं या जो देश में उपलब्ध नहीं है, वो विदेशों से फ्री ट्रेड के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। इससे व्यक्तियों को इच्छानुसार अपना जीवन स्तर उन्नत करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट, वस्तु व साधन बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता। जब व्यापार पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती है, अब उत्पादित माल देश में खपत के साथ साथ विदेशों में भेजा जा सकता है, विदेशों से देश में साधन आ सकते हैं, वस्तुएं आ सकती है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु और साधन बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति कायम रहती है। एक वस्तु की भी संपूर्ण विश्व में समान कीमत की और प्रवृत्ति बढ़ती है और साधन बाजार में भी साधनों की कीमतें सभी उद्योगों सभी देशों में समान होने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट, अधिकतम विश्व आर्थिक कल्याण। विश्व का आर्थिक कल्याण बढ़ता है। आर्थिक कल्याण किससे संबंधित होता है? व्यक्ति की आय बढ़ती है, उसे उच्च रोजगार प्राप्त है, उसका जीवन स्तर उन्नत है, वह अच्छी उपभोग वस्तुओं का उपभोग कर सकता है, तो कल्याण बढ़ता है। जब हम इसे व्यक्ति से बढ़ाकर समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व पर लागू करते हैं, तो हम देखते हैं कि फ्री ट्रेड के कारण संपूर्ण विश्व के निवासियों के कल्याण में वृद्धि होती है, क्योंकि उनका जीवन स्तर उन्नत होता है, रोजगार के स्तर में वृद्धि होती है, अच्छी क्वालिटी की वस्तु कम लागत पर उपलब्ध होती है। इस तरह से फ्री ट्रेड के पक्ष में ये सब तर्क दिए जाते हैं कि इससे उत्पादन में, रोजगार में वृद्धि, बाजारों का विस्तार, जीवन स्तर में वृद्धि आदि होते हैं। लेकिन जो संरक्षण के पक्षधर अर्थशास्त्री हैं, वो फ्री ट्रेड के इन तर्क को नहीं मानते हैं और वो इसकी आलोचना के फलस्वरूप संरक्षण नीति के पक्ष में तर्क देते हैं। संरक्षण की नीति क्या है? संरक्षण की नीति के अंदर फ्री ट्रेड या स्वतंत्र व्यापार नहीं होता है। स्वतंत्र व्यापार पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। वे प्रतिबंध आयातों पर प्रशुल्क के रूप में हो सकते हैं, आयात कोटा निर्धारित करने के रूप में हो सकते हैं, नियंत्रित विनिमय दरों के रूप में हो सकते हैं। इस तरह से कई तरह के प्रतिबंध लगाकर स्वतंत्र व्यापार को प्रतिबंधित किया जाता है, तो उस नीति को संरक्षण की नीति कहते हैं। इसके समर्थक अर्थशास्त्रियों ने इस प्रकार से विभिन्न तर्क दिए हैं जो ये बताते हैं कि स्वतंत्र व्यापार की नीति सर्वोत्तम नीति होगी, लेकिन उसकी भी कुछ कमियां हैं और उसके फलस्वरूप कई स्थितियों में संरक्षण की नीति ही उचित नीति कही जा सकती है। फर्स्ट महत्वपूर्ण तर्क है शिशु उद्योग संबंधी तर्क। शिशु उद्योग जो कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में है, जो नए नए स्थापित हुए हैं,
जब कोई भी उद्योग नवीन स्थापित होता है तो उसकी लागत ज्यादा आती है क्योंकि उसे बहुत सारी वस्तुओं तकनीक वगैरह पर पैसा खर्च करना पड़ता है। तो उस स्थिति में ये कहा जाता है कि उनकी लागत अधिक है, अगर उन्हें सीधे फ्री ट्रेड की स्थिति में उतार दिया जाएगा तो वो विदेशी उद्योगों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे और वो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए उनको अगर पनपने का मौका देना है तो संरक्षण की नीति को अपनाना उचित है कि जो इस प्रकार के उद्योग हैं उनसे संबंधित वस्तुओं के विदेशों से आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए, आयात प्रशुल्क लगाए जाए। लेकिन इस संबंध में उचित धारणा ये है कि इसमें उन्हीं शिशु उद्योगों का चयन करना चाहिए जो कुछ समय बाद इन रियायतों को छोड़कर विश्व प्रतिस्पर्धा में सक्षम बन सके। सेकंड, व्यापार की शर्तों में सुधार। कई बार देखा गया है कि विदेशी व्यापार के अंदर जो दो देश व्यापार कर रहे होते हैं उन्हें समान रूप से लाभ नहीं होता है। जिसके पक्ष में व्यापार की शर्तें होती है उसी देश को लाभ होता है। और व्यापार की शर्तें किसके पक्ष में होगी? जो कम लागत पर अच्छी तकनीकी की सहायता से इस प्रकार की वस्तु का उत्पादन करेगा जिसकी दूसरे देशों में मांग अधिक हो। ऐसी स्थिति में व्यापार की शर्तों को अपने देश के पक्ष में करने के लिए ये जरूरी है होता है कि हम अपने निर्यात मूल्य तो बढ़ाएं और आयात मूल्यों में कमी लाएं। और आयात मूल्यों में कमी लाने के लिए आयात प्रशुल्क अनिवार्य होते हैं जिससे व्यापार की शर्तें देश के पक्ष में बनती है। थर्ड, राशि पातन रोकने का तर्क। राशि पातन से तात्पर्य होता है कि एक उद्योगपति है, एक प्रोडक्ट बना रहा है, उस वस्तु को जब उसे विदेशी प्रतिस्पर्धा में बेचना पड़ता है तो वह उस वस्तु की कीमत काफी कम निर्धारित करता है जिससे उस प्रतिस्पर्धा में वह टिक सके। लेकिन उस लाभ की क्षतिपूर्ति वो कहाँ करता है? घरेलू क्षेत्र में जहाँ पर उसकी स्थिति एकाधिकारी की है तो उस वस्तु की कीमत को बहुत बढ़ा देता है जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को हानि उठानी पड़ती है। तो इस तरह की स्थिति को रोकने के लिए ये जरूरी होता है कि उस उद्योग को संरक्षण दिया जाए ताकि वो विदेशी प्रतिस्पर्धा में उसे बहुत नीचे कीमत नहीं करनी पड़े और उसके एवज में उसे घरेलू बाजार में कीमतों को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना पड़े जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को होने वाली हानि से बचाया जा सके। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क। कहा जाता है समृद्धि से सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत से उद्योग धंधे ऐसे होते हैं जो राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित होते हैं और हर देश ये चाहता है कि उस क्षेत्र में वो आत्मनिर्भर बने। तो ऐसी स्थिति में उन उद्योगों का घरेलू क्षेत्र में उत्पादन करने के लिए आवश्यक होता है कि उन्हें स्वतंत्र व्यापार से पृथक रखा जाए और उन पर उस तरह की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाए जाएं ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सामग्री का घरेलू क्षेत्र में ही उत्पादन हो सके। नेक्स्ट, सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु। जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो वो एक दूसरे से सौदेबाजी करके उसके आधार पर व्यापार की शर्तों को निर्धारित करते हैं। इसके अंतर्गत कई बार क्या होता है कि एक देश अपनी वस्तुओं पर प्रशुल्क लगा देता है, जब दूसरे देश से उसके व्यापार संबंधी कोई समझौता हो रहता है तब वह सामूहिक सौदेबाजी के रूप में उस प्रशुल्क की दर को कम कर देता है जिससे उसे फायदा होता है। पहली स्थिति में जब वो बिल्कुल निरपेक्ष था उसकी तुलना में दूसरी स्थिति में व्यापार शर्तें उसके अनुकूल रहने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट, भुगतान संतुलन का तर्क। भुगतान संतुलन किसी भी देश की विदेश व्यापार नीति का महत्वपूर्ण पार्ट होता है। भुगतान संतुलन के अंतर्गत संतुलन तब होता है जबकि हम जितना विदेशियों को दूसरे देशों को भुगतान कर रहे हैं उतना हमें उनसे प्राप्त भी होना चाहिए, यानी आयात और निर्यात बराबर होनी चाहिए। यदि हमारे आयात ज्यादा है तो हमें उन्हें भुगतान ज्यादा करना पड़ेगा, विदेशी मुद्रा कम प्राप्त होगी और ये स्थिति काफी लंबे समय तक नहीं चल सकती है क्योंकि उससे भुगतान संतुलन में घाटे की स्थिति आ जाएगी। तो इसे रोकने के लिए भी आयातों पर प्रतिबंध जरूरी होते हैं।
नेक्स्ट है घरेलू बाजार के विस्तार का तर्क। घरेलू बाजार कब विस्तृत होगा? जबकि घरेलू वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। अगर हम दूसरे देशों से वस्तुएं आयात कम कर रहे हैं तो हमारे देश की वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, हमारे देश में उद्योग धंधों का विकास होगा और उद्योगों की मांग बढ़ने पर अपने आप से उससे संबंधित कृषि क्षेत्र की भी मांग बढ़ेगी, क्योंकि कृषि क्षेत्र उनको कच्चे माल की पूर्ति करता है, प्लस औद्योगिक क्षेत्र में जो आय अर्जित हो रही है उससे कृषि क्षेत्र की वस्तुओं को खरीदा जाता है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक प्रशुल्क की नीति अपनाने हेतु संरक्षण आवश्यक है। वैज्ञानिक प्रशुल्क से तात्पर्य होता है कि उतनी मात्रा में प्रशुल्क लगाया जाए जिससे आयातित वस्तुओं की कीमतें घरेलू वस्तुओं की कीमतों के रूप में हो जाती है। तब जब दोनों वस्तुओं की कीमतें समान हो जाती है तो उस स्थिति में उनको प्रतिस्पर्धा के लिए छोड़ दिया जाता है। यानी इसमें प्रशुल्क की एक निश्चित दर होती है जिसके कारण आयातित वस्तु और घरेलू वस्तुओं की कीमतों में समानता स्थापित हो सके। नेक्स्ट, देश की मुद्रा देश में रखने का तर्क। एक तर्क दिया जाता है संरक्षण के पक्ष में, क्या हम दूसरे देशों से ज्यादा वस्तुएं आयात करेंगे तो हमारी मुद्रा विदेशों में चली जाएगी और इससे देश में मुद्रा के भंडार कम हो जाएंगे। हमें देश की मुद्रा को देश में रखना है तो अपने घरेलू उद्योग धंधों का ज्यादा विस्तार करना होगा। हालांकि ये तर्क पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि हम अपने जब आयातों पर प्रतिबंध लगाते हैं तो दूसरे देश भी हमारे द्वारा किए जाने वाले निर्यातों पर प्रतिबंध लगा देते हैं। लास्ट है रोजगार वृद्धि का तर्क। जितना घरेलू उद्योग धंधों का विस्तार होगा, जितना विदेशों से हम कम आयात करेंगे उतना ही रोजगार वृद्धि होगी, देश में रोजगार का स्तर बढ़ेगा। इस तरह हमने देखा स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में भी अनेक तर्क दिए जाते हैं, संरक्षण के पक्ष में भी अनेक तर्क दिए जाते हैं। ये देश काल परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि कौन सा देश कौन सी पॉलिसी को अपनाएगा। विकासशील देश शुरू में संरक्षण की नीति का सहारा लेते हैं, फिर जब वो देश उस देश के उद्योग धंधे विकसित हो जाते हैं तब वो स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपनाने में समर्थ होते हैं। धन्यवाद।